हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज़ लाइफ विद किरण राठौर। और मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल वापस से रीओपन होने वाले हैं, तो आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। मैं आ चुकी हूँ घर पे। यहाँ पे जब मैं निकली थी तो बच्चे वगैरह तो सो रहे थे, तो उनको सोते हुए छोड़ के आई हूँ। खाना वाना सब कुछ बना बनू के फिर आई हूँ। और आज इतने सारे हम हमारे ऊपर फॉर्म बरसाए जा रहे हैं ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ये करना है, वो करना, रजिस्टर करना है, क्लास सारी चेंज हो गई है। जिस क्लास की मैं पहले क्लास टीचर थी, अब वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब वो क्लास है ही नहीं, अब मुझे नई क्लास मिलेगी शायद। और सेक्शंस इतने सारे दीदी, टीचर एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ मैं, हूँ ही नहीं एज अ क्लास टीचर। तो शायद कोई नई क्लास देंगे मुझे। और सारे टीचर्स नीचे बैठे हैं स्टाफ रूम में, मतलब एक ही जगह पे सारे वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हम ऊपर आए थे अपने रजिस्टर वगैरह लेने के लिए, बुक्स वगैरह लेने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँगी मेरा फर्स्ट डे कैसा जा रहा है, और फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँगी कैसा होने वाला है मेरा फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस खुल रहे हैं। तो अभी जाके नीचे पता चलेगा कि मुझे कौन सी क्लास मिलेगी। पहले मुझे 7D मिली हुई थी, अब देखो कौन सी मिलती है। तो वो मिलेगी तो मैं बताती हूँ कौन सी क्लास। भगवान करे मुझे कोई क्लास ना मिले, भगवान करे प्लीज़ कि मुझे कोई क्लास की क्लास टीचरशिप ना मिले। बाकी वो, और पता है मुझे 7 क्लासेस मिली हैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, और डेली का एक फ्री पीरियड मिलेगा। 7 क्लासेस, तो डी और ई तो मर्ज ही 8 थे, तो वो दो ही हो गई ना क्लासेस। बच्चों की कॉपीज़ तो चेक करानी है, बच्चों की कॉपीज़ तो चेक करनी है। पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, कॉपीज़ चेक करने में प्रॉब्लम है। कॉपीज़ कैसे चेक करूँ? सेक्शन 8 की मैंने आपको, मतलब 8 तक पूरी है, और 7th का बी एंड सी, 5, 6, 7 ही हो गए ना। देख लो, ये भी शॉक्ड है, ऐसा अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। नहीं, मैं नॉट शॉक्ड। ट्रेनिंग दे, तो हमारी ट्रेनिंग था, अभी हाफ टाइम ओवर हुआ है। ब्रेक दिया है सर ने बोला हाफ एन आवर का ले रहा हूँ, नहीं कहीं 20 मिनट्स ही दे दो, हमें 10 मिनट्स में खाना खाने की हैबिट है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारा लंच करने के लिए, हम चाय पीने जाएंगे, उसके बाद आगे। चाय कौन देगा मैडम? अभी खरीद के पियेंगे, इतना तो कमाते हैं ना। आई डोंट नो मैं कभी कैंटीन गई नहीं। अच्छा मिलती है, तो फिर वहीं चलते हैं ना लंच करने। ऊपर से जाके चाय लेके आ गई हूँ, एंड दिस इज़ माई टिफिन। आज मैंने बनाया कुछ चावल, पनीर खा रहे, पुलाव तो मैं खा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो दैट इज़ ईजी, मतलब एक रूम में बैठा होता है। जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह होती है ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि बहुत लंबा खींच जाता है। और आज की ट्रेनिंग तो हमारी 3 बजे तक है, तो आइडली हमारी छुट्टी हो जाती है 2 वीक्स पे। बट ये ट्रेनिंग है 3:00 तक, तो बाई 3:30 आई विल बी रीचिंग होम आई गेस। हे गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। 3 बजने हैं लगभग, 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट है, मैंने आके सिर्फ चेंज किया है, फेस वॉश किया है, और दैट्स इट। और ये पीहो मेरी गुड्डू आज घर पे थी, इसके अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, इसके स्टार्ट होंगे 1 तारीख से, तो तब तक फ्री है ये। राज तो नीचे खाना खा के माँ के पास ही सो गया, कैसे मजे आ रहे हैं। ऐसे थकान हो रही है ना भयंकर वाली, तब बस मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, 1 घंटा भर रेस्ट करूंगी। और खाने में ये कि मैंने दोपहर के लिए पुलाव बनाए थे, पीहू ने खा लिए पुलाव, और मैं पुलाव लेके गई थी स्कूल में, तो आई डोंट वांट टू ईट पुलाव अगेन, तो इसलिए मेरे पास मैंने ना चने भिगोए थे, वो है चने भिगो के फिर ऐसे अंकुरित कर दिए थे, स्प्राउटेड वंस। तो ये है, इसके अंदर थोड़ा सा कर्ड मिक्स करूँगी, और खीरा टमाटर ये सारी चीज़ें डाल के ये खाऊँगी, हेल्दी। और पता है मैं ना चीनी वीनी इतना अवॉइड कर रही थी, और आज स्कूल में मैंने 2 बार चाय पी ली, कि स्कूल में इतनी थकान हो जाती है ना लिटरली, कि आपको कुछ तो चाहिए होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो चाय लेके आए दीदी, तो मैं मना नहीं कर पाई, मैंने कहा चलो यार दे दो। मैंने 2 बार तो चाय पी ली, जो कि मैं इतने दिनों से शुगर वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट दैट्स ओके यार, सारी चीज़ें नहीं मिलती। अब मुझे लग रही है भयंकर वाली भूख। वाओ, कितने अच्छे हुए हैं ये देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। आई लव सच थिंग्स, मतलब ये ऐसा जब हो जाता है ना,
मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मुट्ठी दो मुट्ठी भर डालूंगी इसमें, कर्ड मिक्स करूंगी और पूरा चाट टाइप बना के देन आई विल हैव इट। और कल बना लूंगी इसकी सब्जी, शानदार बनती है और ये बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये मैंने अभी वो डाले थे, चने डाले थे, खीरा और ये डाला है टमाटर। चुकंदर नहीं है, मतलब एक पड़ा वो पुराना सा हो गया है तो वो नहीं डाल रही मैं, वरना चुकंदर भी डाल सकते हो। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें दही, मिक्स कर रही हूँ। ये मतलब इंस्टेंट बनता है ये और इतना टेस्टी लगता है ना, आप चाहो तो इसको ना घी में थोड़ा सा रोस्ट करके भी खा सकते हो। तो ये बन गया है, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, और अगर दही नहीं डालना चाहो ना तो आप वो डाल सकते हो, नींबू, नींबू डाल सकते हो। पिया वो रखा था ना सेंधा नमक, हीरा नमक, हीरा सेंधा नमक, आई विल ऐड दिस टू। और ये बन गया है मेरा लंच। मैं छाछ पीती इसके साथ, बट एक्चुअली द थिंग इज दैट कि मेरे गले में हो रहा दर्द और रात को भी बहुत खांसी आ रही थी, मतलब गले में अभी दर्द नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों रात को दर्द होने लग जाता है अचानक से, और खूब खांसी आ रही थी तो इसलिए अब मैं नहीं पी रही हूँ। और आज जिम जाऊँगी ना तो मैं खांसी की दवाई लेते हुए आऊँगी, तो अभी तो मैं यही खा रही हूँ। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस, देन आई विल टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट एन आवर। मम्मा मैं ना स्विमिंग क्लासेस में भी ज्वाइनिंग करा देना अभी। हाँ स्विमिंग सीख जाऊंगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ सो के, और उठते ही मैं बना रही हूँ राज के लिए कुछ खाने पीने का। मेरे सूट भी बनाया था तो पीयू ने खा लिया था, तो उसको नहीं खिलाया था, तो उठते शिकायत कर रहा था मम्मी मेरे लिए नहीं बनाया, तो बस मैं अभी उठते उसके लिए बना रही हूँ। मेरा हो रहा है भयंकर वाला सर, क्योंकि दर्द, क्योंकि इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, अभी अचानक से रूटीन चेंज हुआ तो सर दर्द हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा के थोड़ी सी दवाई भी लूँगी और फिर जिम भी जाना है। सोच रही हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ पता नहीं, पर एकदम से रूटीन चेंज हुआ है ना तो इसलिए सर दर्द हो रहा है भयंकर। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। कल मैं जिम से जाके आई और उसके बाद फिर आपने देखा ही था आते से मेडिसिन लेके आई थी। मेरा एक्चुअली गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, खांसी भी हो रखी है, फिर रात को ऐसे ही थोड़ा सा कुछ मूड वूड ऑफ हो गया मेरा, तो उस वजह से मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। इट वॉज मतलब अनईजी सा फील हो रहा था। फिर मैं ना सुबह उठ भी गई थी, सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया, चने बनाया जब के लिए, चने वने बना लिए, सब कर लिया। फिर पता नहीं अचानक से ऐसे ही ना मेरे बीपी लो क्या हो गया, अचानक से ऐसे घबराहट सी होने लग गई। फिर मैं आके लेट गई और लेटने के बाद उठा ही नहीं गया, पूरे हाथ पाँव में से भयंकर दर्द हो रहे। फिर मैंने सोचा चलो छुट्टी कर ही लेती हूँ मैं, तो आज मैंने स्कूल की छुट्टी कर ली है। बस पता नहीं कि बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई, मतलब शाम तक तो बिल्कुल एक्टिव थी, रात को पता नहीं क्या हुआ मुझे अचानक से तो पूरी इनएक्टिव हो गई, और अब तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था अभी वापस से, मतलब तो नींद भी नहीं आई, पूरी रात भी नहीं आई, फिर लेटी उसके बाद भी नींद नहीं आई। अभी बज रहे हैं 8:30, तो थोड़ी बहुत बस यहाँ की डस्टिंग वस्टिंग करी है, बाकी पूरा घर ऐसा कैसा पड़ा। आंटी आने वाले हैं काम के लिए, और मेरे आप लोग सोचोगे कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तब कौन करता है, तब भी हमारे पीछे से आंटी आके जाती है, तो काफ़ी सालों से आ रही है आंटी, 5-6 साल से, तो मैं खुला छोड़ जाती हूँ घर, आंटी आके करके चले जाते हैं, और बस यही। और प्लस भी वो भी कल मुझे बार बार से बोल रही थी मम्मा मुझे बहुत वो बोर फील हो रहा है, आप चले जाते हो, मैं पूरे दिन ऊपर घर पे अकेली बैठी रहती हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। तो ऐसे भी तो मैंने मतलब पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ मेरे को, पूरी रात ही नींद नहीं आई मुझे, और फिर अब सुबह उठा ही नहीं गया, मतलब उठ के मैंने काम भी कर लिया, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही, हाथ पाँव पूरे दर्द हो रहे भयंकर वाले। तो फिर मैंने सोचा यार छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अगर मैं स्कूल चली भी जाऊंगी ना तो भी मुझे लगता नहीं था कि मैं हाफ डे तक भी वहाँ सर्वाइव कर पाती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने के बाद आप आराम से जाके बैठ रहे हो मज़े कर रहे हो, वहाँ पूरा दिन आपको खड़े रहना पड़ता है, यहाँ से वह भागा दौड़ी करनी पड़ती है, बच्चों के साथ चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ता है ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ से। तो मेरा गला वैसे ही गड़बड़ हो रखा था, खांसी वैसी आ रही थी, फिर बॉडी पेन होने लग गया। अब तो फिर मैंने आज की छुट्टी ले ली, और इसी चक्कर में कल मैं ये ब्लॉग भी एंड नहीं कर पाई थी, तो अभी इस मॉर्निंग में बस ये ब्लॉग एंड करने के लिए ही मैंने ओपन किया था।
तो बस ठीक है, अभी तक तो यही अपडेट है, ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी लो डल, बट क्या करूँ, जब बॉडी साथ नहीं देती तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो जस्ट वाइंडिंग अप दिस व्लॉग फॉर द डे, अच्छा लगा कैसा लगा बता देना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद ग्रेट एनर्जी, विद न्यू एनर्जी। थोड़ा सा आज सेल्फ वर्क किया जाए, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, कुछ चीज़ों के बारे में सोचा जाए, और फिर उसके बाद मिलते हैं हम आपसे कल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।